दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां गोविंदगढ़ का विशालकाय तालाब महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा बनवाया गया, जो पूरे प्रदेश में ही दूसरे नंबर पर अपना स्थान रखता था। कभी इस तालाब में रीवा शहर के लिए पानी जाता था, लेकिन आज यही रघुराज सागर तालाब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। पूरे तालाब में जलकुंभियों ने अपना डेरा डाल रखा है, जिसको जिले से लेकर प्रदेश तक कोई भी अधिकारी देखने तक के लिए तैयार नहीं है। ये सब देखते हुए गोविंदगढ़ के युवा साथी ने एक बीड़ा उठाया है तालाब साफ करने का। तालाब का अधिकतर हिस्सा युवा साथियों ने साफ कर दिया है और साफ करने के लिए प्रशासनिक मदद की भी जरूरत है। तालाब सफाई अभियान में युवा साथी भाग लेने वाले विजय गुप्ता, अरविंद गुप्ता, सोनू रविंद्र गुप्ता, मानो गुप्ता, विक्रांत गुप्ता, नरेश सिंह तिवारी, मनोज दुबे आदि युवा साथी शामिल हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार साफ सफाई कर तालाब के कायाकल्प करने का बीड़ा उठाए हैं। आप स्वयं वीडियो में देख सकते हैं कि सफाई के पहले तालाब की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति हो गई है। आज अपने गोविंदगढ़ तालाब के स्वच्छता अभियान का 40वां दिन है, उसका 41वां दिन उसका आज रंग दिख रहा है। आइए हम इस अभियान को शुरुआत करने वाले नींव पत्थर बिज्जू जी से बात करते हैं, अगला क्या कार्रवाइयाँ हैं। हाँ बिज्जू जी कहिए। ये तालाब नगर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की, सभी लोगों के लिए एक धरोहर है और इसमें सभी लोग सहभागी बने, अपना एक दिन का केवल अपना समय दें और इस तालाब को निर्मल करने में इस अभियान के लगे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं और इस तालाब में जितनी उपेक्षा यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उन सब जब भी आएँ उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाए कि ये तालाब क्यों उपेक्षित पड़ा है और ये तालाब से हजारों पक्षी, हजारों जानवर, लाखों इंसानों का पानी की व्यवस्था होती है और ऐसा सरोवर अगर हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम लोगों को, इस नगर में रहने वालों को कुछ नहीं बचेगा। कृपया कर सभी लोग अपना अपना एक दिन का समय दें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।